भगवान शिव जी का नाम नीलकंठ कैसे पड़ा और उन पर जल आखिर क्यों चढ़ाया जाता है। एक बार दुर्वासा अरश्य अपने कुछ शिष्यों के साथ में शिव जी के दर्शन के लिए जा रहे थे, जहां पर आधे मार्ग पर उन्हें देवराज इंद्र नजर आए। फिर इंद्र ने दुर्वासा अरश्य को प्रणाम किया तो फिर अरश्य ने इंद्र को विष्णु का पारिजात पुष्प प्रदान किया, लेकिन इंद्र अपने पद के घमंड में इतना ज्यादा चूर थे कि उन्होंने उस पुष्प को अपने ऐरावती हाथी के माथे से स्पर्श करा दिया। तब उस फूल में विद्यमान सारी शक्तियां हाथी को प्राप्त हो गई, जिसकी वजह से हाथी विष्णु के समान बहुत ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर हो गया। और फिर उस हाथी ने इंद्र का परित्याग करके उस फूल को अपने पैरों तले कुचलकर वहां से चला गया। यह सब कुछ देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। फिर उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि तुम अभी से लक्ष्मीहीन हो जाओगे, जिसकी वजह से लक्ष्मी माँ तुरंत स्वर्ग छोड़कर चली गई, जिसके बाद इंद्र और अन्य देवता बहुत ज्यादा निर्धन और निर्बल हो गए। जब यह बात असुरों को पता चली कि इंद्र व अन्य देवता निर्धन और निर्बल हो गए हैं, तो उन्होंने इंद्र बाकी अन्य देवताओं के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाई। फिर सभी ने मिलकर स्वर्ग पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार जमा लिया। जैसे ही इंद्र के स्वर्ग पर असुरों ने आक्रमण करके उसे अपना बना लिया, तो फिर इंद्र तथा अन्य देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से खोया हुआ वैभव दोबारा प्राप्त करने की प्रार्थना की। उनकी इस पीड़ा को देखते हुए भगवान विष्णु ने उन्हें एक रास्ता बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि तुम सभी देवताओं को असुरों से मित्रता करनी होगी, उसके बाद उन असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना होगा, जिसमें समुद्र के अंदर छिपे हीरे मोती जावरात के माध्यम से तुम फिर से अपने वैभव को प्राप्त कर सकोगे। जैसे इंद्र ने भगवान विष्णु की यह बात सुनी तो उन्होंने प्रश्न किया, हे प्रभु, वह तो हमारे शत्रु है, तो वह हमसे मित्रता क्यों करेंगे? भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि तुम उन्हें बताओ कि समुद्र मंथन में अमृत का एक भंडार है, अगर हम उन्हें प्राप्त करेंगे तो हमेशा के लिए अमर हो सकते हैं, तो वह तुमसे मित्रता कर लेंगे। इतना सुनकर इंद्र तथा अन्य देवता लोग असुर लोगों के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए, जहां उन्होंने असुर लोगों को अमृत के बारे में बताकर उन्हें समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। फिर सभी देवता और असुर उस समुद्र मंथन के लिए निकल पड़े। समुद्र के पास पहुंचकर वे लोग वासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगे। तभी समुद्र मंथन के दौरान उस समुद्र से कालाकूट नामक विष निकला, जो बहुत ही जहरीला था, जिसकी वजह से आसपास के सारे स्थान और चारों तरफ की दिशाएं बहुत ज्यादा जलने लगी, जिसकी वजह से सभी असुर और देवताओं में हाहाकार मच गई, जिसमें वहां पर मौजूद सभी देवता और राक्षस उस विष की गर्मी से जलने लगे। और यह सब कुछ देखकर ऋषि मुनि तथा अन्य देवता भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव उस विष को पीने के लिए तैयार हो गए और फिर भगवान शिव भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उस विष को पी गए। जैसे ही शिव जी ने विष को ग्रहण किया, माता पार्वती ने उनके गले पर अपना हाथ रख दिया ताकि विष कंठ से अंदर न उतर पाए, और फिर वह विष भगवान शिव के कंठ में ही रुक गया, जिसकी प्रवाह की वजह से उनके गले का कंठ नीला पड़ गया। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से संबोधित किया जाने लगा। जैसे ही विष का प्रभाव खत्म हो गया तो सभी देवता बहुत प्रसन्न हो गए और भगवान शिव जी की जय जयकार मनाई। तब उनकी चेतना को वापस लाने के लिए उनके सर पर कुछ शक्तिशाली जड़ी बूटियों से युक्त जल गिराया गया था, जिसकी वजह से उनके शरीर में चेतना दोबारा वापस आई थी। इसीलिए तब से आज भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा चलती आ रही है।